लखनऊ में भाजयुमों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर चर्चा हो रही है। भाजयुमों के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजयुमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे हैं। बैठक को अलग अलग फेज में नेता संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य को बनाने का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत का मान बढ़ा है। २०२४ का चुनाव करो या मरो, इस लक्ष्य के साथ हमारी ताकत, हमारा समर्थन, हमारे संगठन की ताकत है। हमारे साथ देश की और प्रदेश की जनता का भारी समर्थन है। हमें केवल क्या करना है, जो समर्थन है उसे वोट के रूप में बूथ तक लाने और कमर को खिलाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश का और देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाती है तो सबकी छाती 56 इंच की हो जाती है, सबकी छाती 56 इंच की हो जाती है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, आपको याद होगा कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं दिया जा रहा था, याद है कि नहीं याद है? और आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी की लोकप्रियता का बखान करते हुए उनके ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा है। हाथ में तिरंगा लेकर के भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित निकलना है तो रूस की सेनाएं भी गोली चलाना बंद कर दे और यूक्रेन की सेना भी गोली चलाना बंद कर दे। ये दम अगर किसी के अंदर है तो 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी के अंदर, तो भारत की सेना भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर स्थापित आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस कर सकता है। यह भारत आज निर्माण हो चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने दावा किया कि 2024 में एक बार फिर भाजपा की ही जीत हो। हम कहते थे हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370, सबसे पहला देश के गृह मंत्री जी ने संसद में प्रस्ताव पारित करके कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, और ये हमारा कमिटमेंट है जी, कोई धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे, हमारा संकल्प है, हम शुरू से इस बात को कहते हैं। और आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के समय में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, किस प्रकार की परिस्थितियों में देश को लोगों ने धकेल दिया। रोज नए स्कैम होते थे, जो लोग आज संसद के उद्घाटन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, संसद में कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सोनिया गांधी बगैर किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भी उन्होंने उनके शिलान्यास किए, उनके लोकार्पण किए। यही कांग्रेस के लोग जो प्रश्न करते हैं, हम लोगों ने आम जनता के हितों के लिए, देश के हित के लिए हमारी सरकार काम करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। और भाइयों बहनों, यही विषय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सरकार पूरे होने के बाद एक पार्टी ने व्यापक रूप से घर घर संपर्क के लिए महाजन संपर्क की योजना बनाई। 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक वो होना, एक विकास के, डेवलपमेंट के जुड़े विषयों पर सरकार ने काम किया। नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में अलगाववाद के लिए प्रभावी कदम उठाए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सुदृढ़ कर सुशासन को, सुरक्षा को केंद्र में रखकर देश को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का काम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।